जॉली और स्नो वाइट अपना सफर जारी रखते हैं उन तीन रोशनियों की खोज में, हर्ष, अच्छाई और खुशी। पर अभी तक तीसरी नहीं मिली थी। जादुई सेब बना रही हो? नहीं नहीं, वैसे हाँ। तो इसका मतलब क्या तुम कोई जादूगरनी हो? मैं तो एक परी हूँ। ओ, एक परी? हाँ, जब हम पैदा होते हैं हमें जादुई शक्ति मिलती है और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं हम अपनी शाखा चुनते हैं। जैसे अगर किसी को फूल पसंद है तो वो फूल परी बन जाती है, या किसी को रात पसंद है तो वो रात परी बन जाती है। तो तुम हल्की परी हो, है ना? हाँ, असल में मैं यही चाहती हूँ, पर मैं हमेशा नाकामयाब रही हूँ। पर तुम्हारे पास तोहफा है, इतना आसान नहीं ये करना। ओह, शुक्रिया, पर मैं साधारण सेब बनाना चाहती थी। कोई बात नहीं, वैसे वो ठीक था और जब वो फटा तो उसका स्वाद भी अच्छा था। तुम बहुत अच्छे हो। आओ, मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम्हारी रखवाली परी बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, जॉली की परी। मैं सब कुछ करूँगी तुम्हें खुश करने के लिए। कितना मजा आएगा ना? पर वो मैं थक गए हो शायद। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? मैं ठीक कर सकती हूँ। नहीं तो शुक्रिया। कुछ भी मांग लो और मैं उसे सच कर दूंगी। एक मिनट, अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम मिल्फी है। ठीक है मिल्फी, हम सफर पर हैं और सब ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मेरे ख्याल से नहीं। मैं बहुत खुश हूँ तुमने मुझे अपने साथ रख लिया। मैं वहाँ बहुत उदास रहा करती थी। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। जॉली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि सफर के लिए हमें एक और दोस्त मिल गई है। क्यों, सही कहा ना नन्ही परी? हाँ, तुमने बहुत सही कहा। शुक्रिया स्नो वाइट। ओ नहीं, आसमान में बादल छा रहे हैं। इधर दिन का समय है पर बहुत अंधेरा है यहाँ। चलो चल के देखते हैं, पर सावधान रहना। ये सब क्या कर रहे हैं स्नो वाइट? तुमने हमें सूरज की प्रार्थना करने के बीच में ही रोक दिया। तुम सूरज की प्रार्थना कर रहे हो? हाँ, हमने कई साल से सूरज नहीं देखा, इसीलिए उनके वापस आने की प्रार्थना कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे? बरसों बीत गए लेकिन ये जो बादल है वो हमारे आसमान से हटते ही नहीं।
वो जो एक बार आए उसके बाद वो हटे ही नहीं, और हमें कोई जानकारी नहीं है कि हम इन्हें कैसे हटाएं। इन फूलों के लिए सूरज जरूरी है। इस दुनिया में हर किसी को जरूरत होती है सूरज की रोशनी की जीने के लिए। तुम लोग इस गांव को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? नहीं, हम ये नहीं कर सकते, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये नामुमकिन वाली बात है क्योंकि यहाँ बहुत सारे घर हैं और इतने सारे लोगों का यहाँ से कहीं भी जाना बड़ा ही मुश्किल है। ओ, 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 मुझे मुझे माफ करना, काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। जॉली, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं। कुछ तो होगा। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम और तुम्हारे दोस्त अपना सफर जारी रखो। सब क्या हो रहा है? काश हमें उन्हें ऐसे नहीं छोड़ के आना पड़ता। परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मौसम का बदलना हमारे हाथों में नहीं होता। मुझे पता है, पर परेशान मत हो जॉली, मुसीबतों में तुम बहुत अच्छा काम करते हो, बिल्कुल एक शूरवीर की तरह। तुम बहुत जिम्मेदार हो। ओह, पर जिम्मेदार होने से भूख लगती है काफी। ओ जॉली, कुछ बहुत बुरा हुआ है, जल्दी मेरे पास आओ, वहाँ कोई डूब रहा है। मुझे लगता है वहाँ कोई डूब रहा है, देखो वहाँ। रुको अभी। ये क्या है, एक टहनी? कोई नहीं डूब रहा था, बस एक टहनी थी। मुझे माफ करना, तुम्हें सूखना चाहिए, जल्दी अपने कपड़े उतारो। तुम्हारे सामने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेवकूफी की बात मत करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी जॉली। नहीं जीते जी तो नहीं। कहो, अभी सूखना पड़ेगा। मैं तुम्हारे कपड़े सुखा देती हूँ। जॉली, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो। आग लगाने से पहले सोचती। ओ जॉली, मेरे कपड़े सूख गए हैं, पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें एक परी होना भी चाहिए। जॉली वो सीख रही है कि उसकी ताकतों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तुम्हें धीरज रखना चाहिए। इतना गुस्सा आ गया कि मैं गर्म हो गया, क्या बताऊं? अब कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर। बहुत अच्छे। क्या तुम सो नहीं पा रही? वैसे आज रात काफी उमस है। कि मुझे परी नहीं होना चाहिए? मुझसे गलतियाँ होती रहती हैं। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम सीख रही हो, शुरुआत में गलतियाँ होती हैं। मैं बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ। क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे? तो तुम्हारी उम्र क्या है? हाँ स्नो व्हाइट, मैं 8 साल की बुद्धू हूँ। वैसे अगर 8 साल की उम्र में तुम बुद्धू हो तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मेरी उम्र तुमसे दुगनी है। मेरे साथ के सारे परियां बहुत बढ़िया परियां हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो पीछे रह गई हूँ, मैं अपनी शाखा नहीं ढूंढ पा रही। मैं अभी तक अपनी खासियत नहीं ढूंढ पाई हूँ। तो परेशानी क्या है? Yeah.
तुम अभी तक जाग रही हो? क्या तुम अभी तक हवाई कर रही थी? हाँ जॉली, मैं अभी तक जाग रही हूँ। मैं कम से कम इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। काफी देर हो गई, अब तुम सो जाओ। अरे वाह, कितना सुंदर दिन है। आखिर आज तुम इतनी खुश कैसे हो जॉली? वो इसलिए क्योंकि मैं काफी अच्छे से सोया हूँ। मिल्फी की वजह से ही ये हुआ है ना? बाकी सबको कैसा लगेगा जब हम मिल्फी के साथ घर आएंगे? ये कौन है? ये बहुत ही खास बंदा है जो पत्तों पर लिखे खत लाता है। उसको मदद चाहिए। उसकी मदद करनी चाहिए। क्या सब लोग ठीक हो? अरे पत्ते तो उड़ के जा रहे हैं। नहीं रुको, नहीं जाने दो, आगे खतरा है। शुक्रिया शुक्रिया, तुमने मेरे खत के साथ साथ मुझे भी बचा लिया। ये सब मिल्फे की बदौलत। मैंने तो सिर्फ कोशिश की थी। अगर मैं ये खत खो देता तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता। शुक्रिया। क्या ये तुम्हारी बहन है? ये मेरी रक्षक परी है। ओ। है कि नहीं? हाँ साथ रहूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ, अब तुम लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अलविदा। अरे नहीं, वो भूल गया। मैं उसे दे आती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको। सर, आपका पत्ता गिर गया है। ललो। रुकिए, आप ये भूल गए थे। फिर से शुक्रिया। मुझे एक खत उस गांव तक पहुँचाने हैं। उम्मीद है कि मैं वक्त पर वहाँ पहुँच जाऊँ। क्योंकि ये मेरा काम है ताकि सब लोगों को खत मिल जाए, और ज्यादातर लोग उस गांव में ही रहते हैं। ओ, ये तो वही गांव है ना, बादलों वाला? ओ तो तुम इस बारे में जानती हो? गांव के लोगों ने तो अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी है कि वो फिर सूरज को कभी देख पाएंगे। अच्छा मैं समझ सकती हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। मुझे चिंता हो गई थी, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। खैर मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो हम आगे चल के खाना खाते हैं। मैंने देखा तुमने क्या किया। स्नो वाइट। और मुझे लगता है तुम्हारे पास महान शक्तियाँ हैं। मुझे लगता है कि मैं तूफान भी लेकर आ सकती हूँ। वो क्या है? देखते हैं कि मैं 30 तक गिनने तक उनके पास पहुँचता हूँ कि नहीं। 1, 2। क्या तुम गांव वालों की मदद करोगी मिल्फे? वो गांव वासी
अगर मैं उनके साथ होती तो मैं शायद उनकी मदद कर पाती। तुम कर सकोगी, शायद तुम्हें इसी वक्त का इंतजार था। पर मुझे जॉली का इंतजार करना होगा। मुझे पता है मैं बहुत लापरवाह हूँ और मैंने जॉली को बहुत परेशान किया। ओह मिल्फे, पर इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद भी आखिरकार उसने मुझे अपनाया है। ओह, और अब मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसे मेरी जरूरत है। मिल्फे, परेशान मत हो तुम। हाँ, तुमने ठीक कहा स्नो वाइट। मेरे पास एक रास्ता है मिल्फे, मैं तुम्हारे बारे में जॉली से बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, पर तब तक कुछ भी गलती मत कर बैठना। 27, 28, 29, 30। ओह, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या आप पानी लाए हो? ये क्या है मिल्फे, क्या मतलब है? तुमने अभी तक टेबल भी नहीं लगाई। रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ जॉली। मैं इतनी देर से थक कर पानी भर रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हो, हैं? हमें माफ कर दो जॉली। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से निकल लो अभी के अभी। ओह मिल्फे, रुक जाओ। बेवकूफ जॉली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं था। जा रहे हैं, जाओ उनकी मदद करो। पता था? और नहीं तो क्या? देखा नहीं कितनी देर में पानी लेकर आया था मैं वहाँ से? इसका मतलब तुमने हमें बेवकूफ बनाया? माफ करना, बेवकूफ बनाना पड़ा। तुमने ये मेरे लिए किया? मिलते, तुम बहुत जोर से दबा रही हो मुझे। मुझे पता था तुम बहुत शानदार हो। शुक्रिया जॉली। मुझे खुशी है मिल्फे कि तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल गया। पता नहीं मुझे मेरा कब मिलेगा। खुश रहना मेरे दोस्तों, खुश रहना मिल्फे। आखिरकार उनका सफर खत्म हुआ। इसके साथ ही स्नो वाइट और जॉली घर वापस लौट आए एक नई सोच और समझ के साथ। बाकी के सारे बौने बहुत खुश थे उन्हें वापस देखकर। साथ ही स्नो वाइट बहुत खुश थी कि सब उसे इतना प्यार करते हैं।